जून के अहम इजलास में नवाज शरीफ के मुल्क के चारों सूबे के दौरे का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया और अहम फैसले किए गए। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ चारों सूबे के दौरे करेंगे और टिकटों की तकसीम के लिए पार्लियामानी बोर्ड की निगरानी भी खुद करेंगे। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ 10 नवंबर से मुल्क भर में दौरों का आगाज़ करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि अगर अल्लाह ने फिर से इक्तदार दिया तो इंसाफ के इदारों को मजबूत करेंगे। दूसरी जानिब सैनेटर अरफान सदीकी को मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी का सरबरा मुकर्रर कर दिया गया। रायवन में मुनक्दा इजलास में अरफान सदीकी को पार्टी मंशूर मरतब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवाज शरीफ ने हदायत की है कि यह मंशूरी अवामी मसाइल और दौरे जदीद के तकाजों के मुताबिक होना चाहिए और मंशूर में इंसाफ के निज़ाम में अहम और बुनियादी असलाहत तजवीज़ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि असलाहत तजवीज़ की जाए ताकि आम आदमी को सस्ता और फौरी बेलॉग इंसाफ मिल सके।